अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। अब्बास आमिर वीलॉग पे एक बार फिर आपको खुशामदीद। ग्रुप बी के स्टेज का लास्ट राउंड मैच है ये, जो खेला जा रहा है केकेआर वर्सेस कानो स्ट्राइकर्स के दरमियान। और कानो स्ट्राइकर के कप्तान अली आज मैच में वापस आए हैं, और टॉस जीत के कानो स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। और कानो स्ट्राइकर की तरफ से ओपनिंग करेंगे मोहम्मद वक्कास और इमरान मानी। इमरान मानी की एक इंडक्शन की है कानो स्ट्राइकर ने, और ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है। केकेआर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है अब तक, जबकि कानो स्ट्राइकर क्वालिफाई कर चुकी हुई है ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए। तो देखना ये है कि आज उनके बल्लेबाज किस हिसाब से अपने बल्ले खोलते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। थैंक यू काविश भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे काविश भाई ने आप लोगों को बताया कि ये कानो स्ट्राइकर वर्सेस केकेआर बादशाह के दरमियान खेले जाने वाला ग्राउंड का मैच है, प्रीमियर डिवीजन का ईपीसी रमजान T10 टूर्नामेंट। ऑलरेडी कानू क्वालिफाई कर चुकी है, तो लेकिन मैच एक था राउंड का, तो वो होना भी था और बेहतरीन मैच है कानू का और केकेआर का। दोनों भरपूर टीमें अपनी परफॉर्मेंस देंगी इस मैच में। वालेकुम अस्सलाम उमर शयान बलाज बिलोक। वालेकुम अस्सलाम उमर शयान, इनके चैनल का नाम है। अच्छा अच्छा, ओपनर्स आए काविश भाई वकास और उनका साथ देते हुए मानी, इमरान मानी, बड़ा नाम, पहला मैच खेलेंगे कानू स्ट्राइकर की जानिब से, बहुत ही जाना माना नाम ईपीसीए का, बेहतरीन शानदार प्लेयर, पिछले T10 के आई थिंक जो सबसे में हुआ था उसके सारे जी उसके बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर यही थे बिल्कुल। और एक बहुत जबरदस्त इंडक्शन हुई है कानो का, पहले ही ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप था, स्क्वाड था, उसमें बड़े प्लेयर का शामिल होना, जी कानो और मजबूत हो गई है इमरान मानी के आने से। तो आज देखते हैं वो किस तरीके की बैटिंग करते हैं, पहला मैच है उनका ये। नहीं, मैं नए आने वाले बॉलर सईद अहमद कानू केकेआर की जानिब से अटैक करेंगे, पहला ओवर करेंगे। और सईद स्टार्ट लेते हुए वकास करेंगे उनका सामना। वकास जो कि पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ था उसमें ये एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेले थे। एक डोमेस्टिक सर्किट में जाना माना नाम है पाकिस्तान का, जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं कानो स्ट्राइकर्स की, और सऊदी अरब में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। देखते हैं आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैच का आगाज नाज़रीन, सईद ने दौड़ना शुरू किया, आई एम्पायर क्रॉस किया पहली बॉल और वकास ने शॉट, वकास का इसको पुल किया है, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल था। और ये वकास की खासियत है, ऐसी बॉल को तो बिल्कुल नहीं बख्शते, बिल्कुल भी नहीं बख्शते। और जितने भी अभी तक T10 के मैचेस हुए हैं, पहली बॉल से बाउंड्री से ही आगाज किया है इन्होंने, शानदार आगाज यहाँ वकास की जानिब से, 4 रन बनाए पहली बॉल पे, शानदार बाउंड्री हासिल की, पीछे पड़ा हुआ बॉल भरपूर फायदा उठाया और खेल दिया उसे फाइन लेग के ऊपर से, और 4 रन हासिल किए। आमिर भाई अभी मानी के इंडक्शन से ये बैटिंग लाइन बहुत पावर हाउस हो चुकी है इस वक्त। कानू के पास ऑलरेडी एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, और उसमें कानू उसमें मानी का इंटर होना एक बड़ा मजबूत करने वाला काम है ये बैटिंग लाइन को कानू की। और ये वकास पे थोड़ा सा प्रेशर भी कम करेंगे मानी, जी बिल्कुल। देखते हैं आज किस तरीके की बैटिंग करते हैं। जुएब अली शाह, सलाम, वालेकुम अस्सलाम जुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, आ गए हम। सईद एक बार फिर आए बॉल करने, लेग स्टंप से बाहर, बॉल वाइड होगा और वाइड का चौका, 5 रन और शामिल होंगे इस कानू के स्कोर में। तो इस तरीके से एक बॉल पे 9 रन हो चुके हैं अब तक। और नाज़रीन आज के ये प्रीमियर डिवीजन का मैच कानू वर्सेस केकेआर, जो कि आप देख रहे हैं बराह रास्त हमारे चैनल अब्बास आमिर में। वो इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स करना ना भूलें, यही आप लोगों की मोहब्बत है और हौसला अफजाई है। अगर कवरेज के दौरान कोई भी खामी देखें तो काइंडली हमें नोटिफाई करवाएं, ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश करें। एक बार फिर सईद अपने ओवर की दूसरी बॉल करने आएंगे, और फिर लेग स्टंप के पे पड़ा हुआ बॉल था, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके वकास।
सिर्फ एक ही रन का इजाफा होगा लेग बाय का। इस सिंगल के साथ कानों का पड़ता हुआ स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। वालेकुम अस्सलाम हसनैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हसनैन आमिर भाई के बेटे हैं, साहिबजादे हैं, और माशाल्लाह फैमिलीज भी हमें फॉलो करती हैं। क्रिकेट लवर्स हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके घर से तो ऑलरेडी मैसेज आ गया है कि सहरी लेते आइएगा। जी नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ये यहाँ पर हम आते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, ये अल्लाह करे। ये मानी अपनी पहली बॉल फेस करेंगे कानों की तरफ से खेलते हुए, पहला मैच है उनका, फर्स्ट इनिंग है। सईद बॉलिंग के लिए तैयार, हाई पैरो क्रॉस किया और अच्छा बॉल सईद का, बड़े मोहताद अंदाज से खेला उसको मानी ने। मौजूद है, बहुत अच्छा पिकअप एंड थ्रो। चार बॉलों का मैच हो चुका है अब तक, 11 रन स्कोर किए कानों ने। खाता खोला यहां पर इमरान मानी ने। जी मानी ने अपना पहला रन बनाया कानों की तरफ से खेलते हुए, आज इनका डेब्यू मैच है कानों क्लब में। सामना करेंगे सईद का, सईद अपने ओवर की 5वीं बॉल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, फील्ड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हुए, क्योंकि अब तक इन्होंने वकास को जितनी बॉल की है वो लेग स्टंप पे पड़ी हुई बॉलें की हैं। सईद एक बार फिर आए बॉल करने हैं, सईद आए बॉल की, खूबसूरत शॉट खेला है वकास ने, डीप में फील्डर मौजूद है, एक ही रन होना चाहिए, लेकिन दूसरे रन के लिए वापिस होंगे या नहीं, नहीं एक ही रन बन सकेगा। अच्छा फील्ड करके फौरन थ्रो किया फील्डर ने, बॉल आई सीधी बॉलर के हाथ में। कल आपने खुबर जिमखाना का मैच भी कवर किया था? नहीं कल, जी बिल्कुल आमिर हाशमी खुबर जिमखाना का कल मैच हम तमीमी से कवर कर रहे थे। जी जुएब भाई वीडियो रुक रुक के चल रही है, नेट का इशू है, लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़ी बेहतर हुई होगी और कोशिश है कि सिग्नल्स पूरे हो जाएं या तो और अच्छी हो जाए। सईद अपने ओवर का आखिरी बॉल करने आएंगे, सामना करेंगे मानी, सईद आए बॉल किया, मानी का खूबसूरत शॉट और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो अच्छा आगाज यहाँ पर मानी का, बेहतरीन शॉट और ये पहले ओवर का हुआ इख्तिताम, और पहले ओवर के इख्तिताम पे 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, तो कानों का जा रहा आगाज। जी बिल्कुल 16 रन से आगाज किया अपनी इस इनिंग का, 3 ओवर है पावर प्ले के, देखते हैं कितना भरपूर फायदा उठाते हैं यहाँ पर कानों के बैट्समैन। और जिस हिसाब से कानों की बैटिंग है 130 प्लस तो इस लगाना ही चाहिए स्कोर बोर्ड पे रन, बिल्कुल होना चाहिए। केकेआर बादशाह में भी अच्छे बैट्समैन है, जिसमें अबू हुरैरा टॉप ऑफ द लिस्ट, शानदार बैटिंग करते हैं। जियाद बहुत अच्छे बैट्समैन है और जियाद बॉलिंग के लिए भी आए हैं अभी। पहले ओवर के अख्तितम पे 16 रन स्कोर किए हैं कानो क्रिकेट क्लब ने बगैर किसी नुकसान के। अब वकास सामना करेंगे जियाद आफरीदी, नए आने वाले बॉलर, अच्छे कद काट के मालिक हैं जियाद आफरीदी और अच्छी पेस से बॉल करते हैं ये, बेहतरीन बॉल और अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। काविश भाई वाजिद भाई नजर नहीं आ रहे, वाजिद भाई बिल्कुल डगआउट में है, आपको पता है बैटिंग है तो फिर वो वहाँ पे फराइज अपने अंजाम दे रहे हैं। वाजिद भाई बिल्कुल रेगुलर मेंबर है हमारे कमेंट्री पैनल के, वाजिद भाई तो आज वो आई नहीं तो इस वजह से मैंने कहा पूछूं आपसे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन दूसरे ओवर का आगाज, जियाद आफरीदी हैं बॉलर, सामना करेंगे वकास। जियाद आफरीदी दौड़ते हुए आए, एम्पायर क्रॉस किया, वकास का शानदार शॉट, हवा में है बॉल, भरपूर फायदा उठाया पावर प्ले का और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन। पावर प्ले में वकास बहुत जारियाना खेल पेश करते हैं, जैसा कि आपने पिछले मैच में भी देखा 65 रन स्कोर किए थे उन्होंने। जी बिल्कुल, और बेहतरीन टारगेट सेट कर पाती है कोई भी टीम जो अपने तीनों ओवर्स का भरपूर फायदा उठाती है, जो क्योंकि दो ही सर्कल से दो ही प्लेयर बाहर होते हैं और ये ग्राउंड कानों का, इसकी आउटफील्ड वैसे ही बहुत जबरदस्त और तेज है कि बैट से जो बॉल मिडिल होगा वो बाउंड्री पे जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर भाई, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कानों का तो लास्ट 3 मैच इन्होंने खेले हैं लेकिन ज्यादा अच्छा बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सके,
वो उनकी बॉलिंग ने उनको मैचेस जितवाए। याद एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, बॉल वाइड होगा, ऑफ स्टंप से खासा बाहर है, लेकिन एम्पायर का इशारा लीगल डिलीवरी है। अच्छा बॉल, अच्छा बॉल किया जियाद ने, पहले चेक कर लिया था बैट्समैन ने, कदमों का इस्तेमाल किया जी, और भरपूर दिमाग से बॉल करते हुए बीट करा यहाँ पर उन्होंने वकास को। इस वक्त क्रीज पे दो ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं, अगर इनको आपने हल्का सा भी बुरा बॉल दिया ये बाउंड्री के बाहर पहुंचा देंगे। पूरी कोशिश होनी चाहिए केकेआर के बॉलर्स की, जल्द से जल्द विकेट हासिल करें और कम से कम टारगेट पर रोकें यहाँ पर कानू स्ट्राइकर को। जियाद अपने ओवर की तीसरी बॉल करने आए, आगे पड़ा हुआ बॉल, बॉल हवा में, फील्डर अबू हुरैरा गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉल उनसे पहले पहुंच नहीं सकेंगे, सिर्फ दो रन का इजाफा होगा। तो दो रन हवा में थी, बॉल बड़ी तेजी से बनाए दोनों बैट्समैनों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये बॉल सही तरीके से मिडिल नहीं कर सके, आगे गिरा हुआ बॉल था लेकिन शायद थोड़ा स्लो बॉल था जी, बिल्कुल पेस चेंज किया था यहाँ जियाद ने और विकेट भी हो सकती थी यहाँ वकास की, लेकिन थोड़ा पहले गिरा बॉल, अबू हुरैरा काफी तेजी से दौड़े थे लेकिन नहीं पहुंच सके। अब जियाद एक दफा फिर एक और मिडिल करने की कोशिश, इस बार भी मिडिल नहीं हुआ, बॉटम ऑफ द बैट लगाए लेकिन दो रन पूरे कर लेंगे दोनों बैट्समैन, दौड़ गए, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और पहुंच चुके थे क्रीज में, अंपायर का इशारा नॉट आउट, अच्छी थ्रो थी डायरेक्ट विकेट पे लगा। हुरैरा बहुत जबरदस्त फील्डर है, बहुत प्यारे एथलीट है, कप्तान भी है अपनी टीम के, बहुत जबरदस्त थ्रो डायरेक्ट विकेट पे जा लगा, अगर ये जरा सा स्लो होते माने तो ये रन आउट हो सकते थे बिल्कुल, लेकिन माने इतने मजे हुए प्लेयर हैं, उनको पता है कि कौन सा फील्डर तेज है कौन सा हल्का है, बिल्कुल ऐसा ही है, काफी टाइम से खेल रहे हैं एपीसीए में। याद आए बॉल की लेग स्टंप से बाहर जाता हुआ बॉल, देखते हैं अंपायर का इशारा, वाइड बॉल होगा यकीनी तौर पे और एक्स्ट्रास पे काबू पाना होगा यहाँ पर केकेआर को जी बिल्कुल, एक्स्ट्रास जो है काफी भारी साबित हो जाते हैं बार दफा। इन दो रन के साथ कानों का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बगैर किसी नुकसान के, दूसरे ओवर का खेल जारी है। आप लोगों की प्रेडिक्शन आनी चाहिए, कानों कितना टारगेट सेट करती है इस पहले इनिंग में जी, ये बिल्कुल प्रेडिक्शन का जो खेल है वो मेरे ख्याल में अभी रुका हुआ है जी, बिल्कुल रुका हुआ है, अभी सही से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैच में इंटरेस्ट पैदा होगा इन तीन ओवर के बाद। सही कह रहे हैं इमरान तालिब, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो भी मार्केट से शॉर्ट हैं, शॉर्ट हैं, दरअसल काफी शायद ताकरात भी है, 25 रमजान है तो कुछ इबादत में भी लोग मसरूफ हैं और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा अपनी। जियाद अफरीदी अपनी चार बॉलों पे अब तक 10 रन दे चुके हैं, अपने ओवर की पांचवी बॉल करेंगे और सामना करेंगे उनका मानी। जियाद ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, आगे बॉल किया, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल, शानदार तरीके से पुल किया, बॉल को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन हासिल होंगे, तो जान शायान की पहली प्रेडिक्शन आ गई है काविश भाई, 165 रन की पहली प्रेडिक्शन आई है, वाओ बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन दे दी। चले जी देखते हैं, शायद उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है शायान को, कानों के बल्लेबाजों पर, बल्लेबाजों पे मानी और वकास विकेट पे मौजूद है, 165 रन का बंपर प्रेडिक्शन की है उन्होंने, देखते हैं आगे कहां तक जाता है ये मैच, पावर प्ले का आगाज तो अच्छा हुआ है, अभी दूसरा ओवर जारी है और स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन हो चुके, 30 रन हो चुके। अगर ये कानों के बल्लेबाज इसी रफ्तार से खेलेंगे तो कुछ बईद नहीं है, हो सकता है 165 भी कर जाए, बिल्कुल जी। जियाद एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, आ एम्पायर क्रॉस का फुल टॉस बॉल और मानिए शानदार शॉट खेला है, छक्का हो सकता था ये, फील्डर के बाहर जी, प्लेयर्स ने बताया कि बाउंड्री है ये, तो आई थिंक ओवर का हुआ इख्तिताम, तो 34 रन बना लिए यहाँ पर कानू स्ट्राइकर ने बगैर किसी नुकसान के। राणा आबिद की प्रेडिक्शन आ गई है 135 रन, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग राणा आबिद, बिल्कुल जी आपको भी हमने प्रेडिक्शन नोट किया आपका, उमेर भाई नोट डाउन कर दे रहे हैं आप, शयान की जानिब से 165 और राणा आबिद 135। उमेर भाई हैं ये, बॉलर्स का नाम पूछ पूछ के हमें बता रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज स्कोरिंग के फराइज भी हम खुद ही अंजाम दे रहे हैं, डबल ड्यूटी है आपकी, डबल ड्यूटी है बिल्कुल। आमिर भाई ये टीम है जो सेमीफाइनलिस्ट है, कानो वर्सेस तमीमी आई गेस इनका मैच होगा, शानदार मैच होगा, शानदार मैच होगा, तमीमी एक कंप्लीट साइड है, बेहतरीन साइड है और बड़ा जबरदस्त तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और जबकि दूसरा सेमीफाइनल होगा फायरऑक्स वर्सेस अलकिफा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों टीमें, ये भी फायरऑक्स बेहतरीन माना
बहुत बड़ा नाम ईपीसीए का और अल्किफा ऑस्ट्रेलियन बेहतरीन प्लेयर्स हैं, उनके पास भी शानदार टीम, तो दोनों ही सेमीफाइनल बड़े जबरदस्त होने वाले हैं प्रीमियर डिवीजन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही। दोबारा आए अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए और अपनी टीम की जानिब से आखिरी और पावर प्ले का आगाज किया है खानों के बल्लेबाजों ने। 34 रन स्कोर कर चुके हैं, 17 की औसत से रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल बिल्कुल सही, देख दो फिर आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और शानदार शॉट वकास का, नहीं रोक पाएगा कोई फील्डर और 4 रन हासिल होंगे नासरी। सूरत टाइमिंग वाला शॉट, जो पिछले ओवर में अपने टाइमिंग तलाश कर रहे थे वकास, आखिरकार बल्ले के मीट पे बॉल लगा और पलक झपकते हुए बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया 4 रन के लिए। ये पावर प्ले के अंदर तमाम शायकी ने क्रिकेट बस आजकल सिर्फ चौके छक्के देखना चाहते हैं, यही T10 क्रिकेट की रौनक है। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है आमिर भाई, बहुत फास्ट हो गई है और इसके बाद इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद ईपीसीए ने एक और क्रिकेट का रौनक मेले सजाना है, 100 बॉल्स टूर्नामेंट। वाओ 100 बॉल जबरदस्त। सईद अपने ओवर का दूसरा बॉल करने आए, सामना करेंगे वकास, खूबसूरत तरीके से कनेक्ट हुआ है लेकिन फील्डर मौजूद है डीप में, एक ही रन बनना चाहिए और एक ही रन बनेगा। अच्छा पिकअप एंड थ्रो, वेलकम टू अब्बास आमिर, नुमान अकरम, नुमान अकरम, ओए होए का कमेंट आया नुमान, अब ये देखना होगा ये किसके लिए कमेंट है, आए ये मानी के लिए कमेंट है या आपके लिए कमेंट है आमिर भाई। सही, देख दो फिर हैं बॉलिंग के लिए तैयार, इस दफा सामना करेंगे उनका इमरान मानी। मानी जो अब तक 5 बॉलों पे 13 रन स्कोर कर चुके हैं जिसमें 3 चौके शामिल हैं, मानी भाई के लिए भाई होए होए। बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी यही था, मानी एक सुपरस्टार है उनके लिए ही होगा। सईद आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और शानदार बॉल लेकिन ऑप्शन से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। आज के एम्पायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं नवाज चौधरी, उनका हारून चौधरी, चौधरी ब्रादरान वंस अगेन, यस वेलकम टू चौधरी ब्रादरान। ये भाई अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, ये ब्रादरान यही कहीं रह रहे हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस एम्पायर हैं दोनों, शानदार एम्पायरिंग करते हैं। सही, एक बार फिर आए सामना करेंगे मानी, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल कट किया, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बिल्कुल भी अच्छा बॉल नहीं था, थर्ड मैन दायरे में था फिर भी शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल की, आसानी से कट किया और 4 रन हासिल किए मानी ने। बिल्कुल जी, शानदार पिक किया बॉल को और फेंक दिया बाउंड्री से बाहर। मानी भरपूर तरीके से अनाउंसमेंट करते हुए कि कानों की जानिब से वो आ गए हैं और क्या शानदार ओपनिंग स्टार्ट लिया है उन्होंने, बेहतरीन ओपनिंग स्टार्ट अभी दोनों बैट्समैनों की जानिब से, अभी तक कोई ऐसा बॉल नहीं लगा कि जिसपे कोई विकेट का चांस बनता हो, थोड़ा सा बॉलिंग में तब्दीली लानी होगी यहाँ पर केकेआर को और विकेट पे जाना होगा। और आमिर भाई पावर प्ले में तो ऐसा ही होता है, जब लगते हैं तो लगते रहते हैं। सईद एक बार फिर आए मानी को बॉल करने, आगे गिरा हुआ बॉल कवर्स के ऊपर से खेल दिया, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, मानी बिल भरपूर तरीके से हमला करते हुए केकेआर के बॉलर्स पर, तो एक और बाउंड्री का इजाफा यहां पर कानू स्ट्राइकर के स्कोर में। इस चौके के साथ कानू स्ट्राइकर का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे और तीसरे ओवर का खेल जारी है। बिल्कुल जी, और तकरीबन 2 बॉले बाकी आई थिंक इस ओवर की। जी बिल्कुल 2 बॉले बाकी हैं और ये अब तक का कानों का हाईएस्ट T10 का इस सीजन का, इस सीजन का बेहतरीन पावर प्ले है। सही, देख दो फिर बॉलिंग के लिए तैयार इमरान मानी करेंगे सामना सईद का, सईद दौड़ते हुए आए एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, एक और कट शॉट लेकिन इस दफा फील्डर के हाथों में शाहिद थे फील्डर, शानदार फील्डिंग शाहिद की जानिब से, एक ही रन बन सकेगा। शायद ने अपनी टीम के लिए यकीनी बाउंड्री बचाई है, ये बहुत तेज शॉट गोली की रफ्तार से बॉल गई थी लेकिन बॉल और बाउंड्री के बीच में शायद हाइल थे। बिल्कुल जी, आखिरी टाइम तक बॉल पे नजर रखी और सिर्फ एक ही रन बन सका, स्कोर बता हुआ 49 रन बगैर किसी नुकसान के कानू स्ट्राइकर। शाहिद अजीज एक बहुत ही सीनियर क्रिकेटर है कानू ईपीसीए के, पहले कानू की तरफ से भी खेल चुके हैं। सईद एक बार फिर आई यॉर्क बॉल और सिंगल के साथ 50 रन मुकम्मल किए कानो क्रिकेट क्लब ने अपने, शानदार बॉल थी सईद की है और इस तरह तीसरे ओवर का हुआ इख्तिताम, पावर प्ले हुआ फिनिश और बगैर किसी नुकसान के बना लिए कानो स्ट्राइकर ने 50 रन।
लाजवाब पावर प्ले का स्टार्ट लिया है। इमरान आरिफ उर्फ मानी 8 बॉलों पे 22 रन स्कोर किए जिसमें 5 चौके शामिल हैं, जबकि वकास ने 10 बॉलों का सामना किया और 19 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्रीज शामिल हैं। तो शानदार बैटिंग मजमुई तौर पे, यानी कि 7 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, 8 बाउंड्रीज आ चुकी हैं इस पावर प्ले में, लेकिन छक्का देखने को कोई नहीं मिला अभी तक। अब देखते हैं अबू हुरैरा चौथे ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं, या खुद बॉल पे बॉलिंग के लिए आते हैं? ये खुद बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉल करते हैं, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बेहतरीन बॉल करते हैं, बैट्समैन भी बहुत प्यारे हैं और फील्डर लाजवाब है। जी बिल्कुल, वो तो उन्होंने दिखाया अभी जिस तरह बॉल को रोका था। तला शाहिद आया बॉल करने के लिए, तकरीबन और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबको जानते हैं। इम्पोर्टेंट ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको जानते हैं जिनको ये जानते भी नहीं है। जी ऐसा ही है, बड़ा नाम उमर अशरफ। मीडिया का आगाज अगर देखा जाए तो बेहतरीन स्टिल फोटोग्राफी से किया हमारे उमर भाई ने, ईपीसीए के फर्स्ट मेरे ख्याल में मीडिया कोऑर्डिनेटर उमर भाई थे। बहुत खिदमत है इनकी भी इस मीडिया के हवाले से, हमारे साथ बैठ के हमारे कमेंट्री बॉक्स को जीनत बख्श रहे हैं उमर भाई। बिल्कुल नए आने वाले बॉलर है तला शाहिद, अपने ओवर का आगाज करेंगे, सामना करेंगे वकास। तला आए बॉल के कदमों का इस्तेमाल, कवर्स की जानिब खेला, मिस फील्ड हुई लेकिन एक ही रन बन सकेगा। डीप के फील्डर ने भी मिस फील्ड कर दी और 4 रन हासिल होंगे, बोनस का चौका। ये रन रोकने होंगे वरना स्कोर पहाड़ जैसा बन सकता है। बैट्समैन दोनों विकेट पे मौजूद हैं, कोई विकेट गिरी नहीं है। इस तरह हाथों की बाउंड्री नहीं देनी चाहिए फील्डर्स को। अच्छा बॉल था, फील्डर ने फील्ड पे बॉल किया लेकिन बैड लक के वो फील्डर फील्ड नहीं कर सके और 4 रन कानू के खाते में जुड़े। तला शाहिद एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार है, सामना करेंगे वकास। केकेआर एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं, मिस फील्ड का चौका भी दे दिया उन्होंने। तला एक बार फिर आए बॉल करने, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक सकेंगे। शानदार बॉल था ये तला का, लेकिन शानदार रनिंग दोनों बैट्समैनों की जानिब से। वालेकुम अस्सलाम बॉस, आपकी आईडी का नाम आ रहा है, मोहम्मद फरहान है भाई। फोटोग्राफी तो बहुत अच्छी करते थे पर पिक्चर्स आज तक नहीं दी एक भी। वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग फरहान। फरहान भाई ने शिकायतों का सिलसिला जारी कर दिया, उमर भाई अभी चले गए, खैर वॉशरूम में आएंगे तो उनसे पूछ के बताएंगे। ये ओशियन स्पेस के नाम से एक आईडी है, इनको भी वेलकम कहते हैं हम। ओशियन स्पेस, वालेकुम अस्सलाम, आपका अगर असली नाम हमको पता लग जाए तो हम नाम से आपको सलाम का जवाब दे देंगे। बहरहाल वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग्स। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शानदार मैच होता हुआ नाजरीन, ईपीएस रमजान टी10 टूर्नामेंट सीजन 2024 का। तला शाहिद बॉलिंग के लिए तैयार, आए एम्पायर क्रॉस किया और मानी ने इसे खेल दिया मिड विकेट की जानिब, फील्डर मौजूद है और अच्छे तरीके से फील्ड किया बॉल को, लेकिन इसी असना में 2 रन आसानी से हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने। आमिर भाई आज आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स की जानिब से बहुत शानदार रनिंग देखने को मिल रही है, हिटिंग के साथ साथ सिंगल डबल्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अनंता, ओके अनंता, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। स्वीप करने गए बानी, एक बार बॉल हवा में, फील्डर को बीट कर जाएगी, देखना है बाउंड्री पार होगी या नहीं, और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बड़ा कैलकुलेटेड शॉट खेला मानी ने। वालेकुम अस्सलाम अंसार शब्बीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अंसार, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। और यहाँ कानों के ओपनर्स भरपूर तरीके से हमला करते हुए केकेआर के बॉलर्स पर, बिल्कुल भी उनको सांस लेने का मौका नहीं दे रहे, हर ओवर में 3-4 चौके लाजमी आ रहे हैं। बिल्कुल, और स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 61 रन 3.4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तला शाहिद आए बॉल की और दबा हवा, बहुत ही ऊंचा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रन के लिए। इस तरीके से पहला छक्का इस इनिंग का, शानदार शॉट इमरान मानी का और 6 रन हासिल होंगे नाजरीन। खूबसूरत शॉट, घुटना टेक के बॉल को फेंका ग्राउंड के बाहर मानी ने 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट था मानी का ये। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अपने ओवर का आखिरी बॉल करेंगे, तला सामना करेंगे मानी, खूबसूरत बॉल, अच्छे तरीके से खेला लेकिन सिंगल हो जाएगा। और लाजवाब फील्डिंग से जानिब से,
एक बहुत बड़ा नुकसान कानो को जी, शानदार फील्डिंग जैद की और डायरेक्ट विकेटों पे लगा बॉल और इमरान मानी की इनिंग का हुआ खात्मा और पहली विकेट का नुकसान यहाँ पर कानो स्ट्राइकर को। दाद देनी होगी जियाद को यहाँ, शानदार फील्डिंग। जैसे कि हमने आपको कहा था कि बहुत ही सीनियर क्रिकेटर हैं और भरपूर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत बड़ी विकेट हासिल की यहाँ पर। तो पहला नुकसान और मानी आउट हुए और मानी ने स्कोर किया है काबिश भाई, टोटल स्कोर मानी जियाद आफरीदी जिन्होंने बहुत जबरदस्त रन आउट किया। शानदार फील्डिंग जियाद की जानिब से और अब नए आने वाले बैट्समैन अरसलान, अरसलान वन डाउन पोजीशन पे खेलने आ रहे हैं आज। वैसे ये भी ओपनिंग करते हैं कानो की जानिब से, जैसा कि आपको पता है कानो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, तो डेफिनेटली आज आपको कुछ शफलिंग नजर आएगी कानो की बैटिंग लाइनअप में, शफलिंग और कुछ तैयारी भी किए जाएंगे। मुनीर बिन नासिर, वाओ गुड फील्डिंग, डेफिनेटली मुनीर, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग बाय जियाद आफरीदी। जियाद शानदार फील्डर, मानी की विकेट बहुत ही कीमती विकेट जो बहुत जारियाने अंदाज में बैटिंग कर रहे थे मानी। तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए प्लीज, दीजिएगा हमारे भाई हैं शायद उनका नाम भी अहमर बिन नासिर, अहमर बिन नासिर था। चले शाहिद अजीज, मानी जिन्होंने 12 गेंदों पे 34 रन स्कोर किए जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, आउट होके पवेलियन में वापस है। शानदार रन आउट किया उन्होंने जियाद ने उनको, जियाद आफरीदी ने। अब शायद आए हैं नासरी, जैसे कि हम बता चुके हैं काफी सीनियर प्लेयर हैं ये भी, ईपीसीए के, और शानदार लेग ब्रेक बॉलर है। इनका समझ नहीं आता ये लेग ब्रेक, ये मिस्ट्री स्पिनर है बिल्कुल जी, और बहुत सीनियर प्लेयर है, तकरीबन 12 साल हो गए इनको ईपीसीए में परफॉर्म करते हुए। सामना करेंगे अब अरसलान, शाहिद अपने कोटे का पहले ओवर का आगाज करेंगे, सामना करेंगे अरसलान। शाहिद ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया, बॉल किया इस बॉल को अरसलान ने, लेकिन सीधा जाएगा डीप मिड विकेट की जाने, फील्डर ऑलरेडी मौजूद है, एक ही रन का इजाफा हो सकेगा। अच्छा आगाज यहां पर शाहिद का, बेहतरीन लाइन पे बॉल करते हुए, सर्कल खुल चुका है नाजरी। केसी की टीम में कौन कौन खेल रहा है, केसी की टीम कौन सी, अब्दुल रहमान भाई कानो स्ट्राइकर की टीम में आज अली वापस आए हैं, लास्ट मैच में वो इंजर्ड थे, वो उनकी वापसी हुई है, और इमरान रजा जिन्होंने लास्ट मैच जितवाया था, बॉलिंग में हीरो थे, आज वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह पे इमरान मानी है, बाकी वही पुराने वाले मैच की टीम है जी। बहुत बहुत अंसार भाई का भी सेमीफाइनल है जी बिल्कुल, आई थिंक ये एमसीसी के प्लेयर हैं। अच्छा, बेंगलोर क्रिकेट क्लब के। शायद अपने ओवर का दूसरा बॉल करेंगे, सामना करेंगे वकास, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कवर्स पे खेला है अच्छे तरीके से वकास ने, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, दो रन मुकम्मल हो जाएंगे। आखिरी वक्तों में बॉल को पकड़ा उन्होंने, उन्हें 4 रन हो सकते थे, शानदार फील्डिंग और उतनी आला थ्रो, 2 ही रन बन सकेंगे। शायद अभी तक शानदार ओवर करते हुए, शायद बहुत सीनियर बॉलर है ये, कानो स्ट्राइकर का हिस्सा भी रह चुके हैं तवील अरसे तक, आज उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, उस वक्त कानो कराची स्ट्राइकर होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद एक बार फिर आए बॉल करने, अच्छा बॉल शाहिद का, बहुत ही खूबसूरत अपना तजर्बा यहाँ पर पेश करते हुए शाहिद, लेकिन फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, बहुत फंबल देखने को मिल रहे हैं। जियाद आफरीदी का रन आउट हटा दे तो ग्राउंड फील्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, फील्ड में कमबैक करना होगा यहाँ पर केकेआर को। अच्छा उन्होंने अभी स्कोर को रोका है जिस तरीके से आगाज हुआ है। अरसलान जो अमूमन ओपनिंग स्लॉट पे बैटिंग करते हैं, आज वन डाउन की पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने एक्स कुलीग शाहिद का सामना करेंगे, देखना है कि अरसलान कैसा परफॉर्म करते हैं उनके अगेंस्ट। शाहिद शानदार बॉलिंग करते हुए, चौथे ओवर का खेल जारी है नाजरीन, शाहिद आए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया और अरसलान खेलना चाहते थे उसे स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन डॉट बॉल होगा ये, बेहतरीन बॉलिंग शाहिद की जानिब से। शाहिद बहुत एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शो करते हुए, शाहिद बिल्कुल मूड में नहीं है कोई बाउंड्री खाने के। शाहिद अपने ओवर का पांचवा बॉल करने के लिए तैयार, अब तक बहुत लाजवाब बॉलिंग की है शाहिद ने। शाहिद आए एक फ्लाइटेड बॉल ऑफ कवर्स की तरफ खेला है, लेकिन एक ही रन स्कोर हो सकेगा, वो भी फंबल की वजह से जी। अच्छा बॉल था शाहिद का, सिर्फ एक ही रन बन सकेगा,
शानदार ओवर शाहिद की जानिब से और हुआ चौथे ओवर का अख्तिताम। नहीं, एक बॉल अभी बाकी है, पांचवें ओवर का खेल जारी है। पांचवें ओवर का खेल जारी है, ये आई थिंक अच्छा वो 72 रन स्कोर कर चुके हैं अब तक कानो स्ट्राइकर्स के बैट्समैन, 72 रन पे एक विकेट के नुकसान पे, और पांचवें ओवर का आखिरी बॉल अब करने आएंगे शाहिद। शाहिद एक दौर फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे बकास। शाहिद आए बॉल की, इस दौर बकास ने खेला स्क्वायर लेग की जानिब, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चार रन हासिल होंगे नाजरीन। बकास ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलते हैं और अवेश शेख जज्बाती हो गए, और शाहिद का एक लाजवाब ओवर, अगर ये बाउंड्री नहीं आती तो बहुत जबरदस्त ओवर कर दिया था उन्होंने। लेकिन ये T10 है काबिश भाई, बाउंड्री और ये डजंट मैटर, आप पांच बॉल अच्छी कर गए, लेकिन कानों के बल्लेबाजों ने बाउंड्री मारने की रीत को कायम रखा है, हर ओवर में बाउंड्रीज आई है। जब इसके एक अच्छा टारगेट सेट होगा, वेलकम बोलेंगे मोहम्मद उवेश शेख को कमेंट्री पैनल बॉक्स में, जिनकी वजह से सारी रौनक है इस ग्राउंड की। बिल्कुल जी, वेलकम उवेश शेख साहब। शेख साहब, आपके क्या जज्बात हैं, आपकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। माशाल्लाह से टीम अच्छा खेल रही है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी, और उम्मीदें हैं फाइनल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। टीम अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, कम्बिनेशन वगैरह सब सही है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। टीम सेट की बात आप कर रहे हैं, आपने मानी भी अपनी टीम में चेक किया है तो अब तो सेट से ज्यादा सेट हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, काफी स्ट्रांग मानी, काफी बड़ा एडिशन है टीम में, बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो परफॉर्म करेगा। अब आज तो ड्राइव थोड़ी लग गई, वरना मोमेंटम तो उसने चार्ज कर दिया था। T10 क्रिकेट के अंदर मानी ने बहुत लाजवाब 12 बॉलों पे 34 रन की इनिंग खेली है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, लाजवाब ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है मानी ने आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, और नए आने वाले बॉलर हुरैरा सामना करेंगे अरसलान। जी आजकल बिल्कुल शायद ही चल रहा है, क्योंकि DHL की जानिब से भी शायद ने 3 विकेट लिए और यहां भी शायद अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और रह रहा है बॉल करने, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कवर्स की जानिब खेला अरसलान ने, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है, एक ही रन बन सकेगा, और दूसरे रन के लिए वापस हो गए वकास। अच्छी रनिंग दोनों बैट्समैनों की जानिब से, क्योंकि पहले ही रीड कर लिया था इन्होंने कि फील्डर की थ्रो इतनी तेज नहीं आएगी, तो जब भी फैसला किया कि दूसरा रन भी कंप्लीट किया जाए, लेकिन जो मोमेंटम मानी और वकास ने प्रोवाइड किया है कानों को, डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करना चाहिए और एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहिए। अब हुरैरा एक बार फिर आए, तेज बॉल किया, रिवर्स स्वीप खेला अरसलान ने, और गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब, चार रन के लिए। मैक्सवेल की याद दिला दी यहां पर अरसलान ने, शानदार शॉट खेला और चार रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। और आपको ये बात बता दूं कि अबू हुरैरा भी कानो स्ट्राइकर्स की जानिब से खेल चुके हैं जब ये कराची स्ट्राइकर हुआ करती थी, तो एक बेहतरीन मुकाबला नाजरीन। ये हमारे सवान आजम भाई हैं जिनका ये कमेंट आया कि हर जगह शाही शाही चल रहा है। अब हुरैरा अपने ओवर की तीसरी बॉल करने के लिए तैयार है, सामना करेंगे अरसलान, एक फ्लाइट डिलीवरी इसको स्वीप किया है, फील्डर डीप में मौजूद है लेकिन बिल्कुल नहीं रोक सकेंगे, काफी तेज शॉट था और गया बाउंड्री के बाहर, तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 86 एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का खेल जारी है नाजरीन, और कानों के बल्लेबाजों का लाठी चार्ज जारी हो सारी है KKR के बॉलर्स पर, और इसी तरह मोमेंटम जारी रहा तो 160 रन मुश्किल नहीं है। ये हमारे फरहान भाई की प्रेडिक्शन आ गई, वो 160। अब हुरैरा एक बार फिर आए, फास्टर बॉल, जबरदस्त किया है, 16 स्वीप, 4 रन, एक और बाउंड्री नाजरीन अरसलान की जानिब से, चौको की हैट्रिक मुकम्मल करते हुए अरसलान यहाँ पे, और अपनी टीम का टोटल पहुंचा दिया है 90 रन एक विकेट के नुकसान पे। क्या कहते हैं शयान की जो प्रेडिक्शन आई है, वो अमेजिंग प्रेडिक्शन, 165 रन की प्रेडिक्शन वो मैच से पहले ही कर चुके हैं शायद। अब देखते हैं आगे कहां तक लेके जाते हैं स्कोर कानू के बैट्समैन, और हमारे पास एक दूसरी प्रेडिक्शन 135 रन की भी है। जी 135 रन की भी है, और आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन दें। अब हुरैरा पांचवी बॉल करने, एक और स्वीप करने की कोशिश, विकेट के सामने बॉल लगाए, एम्पायर का इशारा कि आउट नहीं है, नहीं है। पहला डॉट बॉल इस ओवर का, पांच अशारिया पांच ओवर के अख्तिताम पे 90 रन स्कोर कर चुकी है कानो, फास्टर बॉल टांगों की जानिब, एक और मिस फील्ड, एक ही रन बन सकेगा, फाइन लेग पे खड़े फील्डर से मिस हुआ बॉल, लेकिन एक रन तेजी से हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने यहाँ पर। छह ओवर के अख्तिताम पे 91 रन एक विकेट के नुकसान पे कानो क्रिकेट क्लब के, 15 रन का ओवर किया है हुरैरा ने, काफी महंगा ओवर, और छह ओवर के अख्तिताम पे काविश भाई स्कोर बढ़ता हुआ।
आप देखें आमिर भाई जो लास्ट 3 मैच खेली है कानो, 2 में पहले बैटिंग की थी उन्होंने, लेकिन महज 105 और 107 रन स्कोर किए थे और बॉलिंग ने बड़ा साथ दिया था उस वक्त मैच जितवाने में। कानो की बॉलिंग का तो कोई सानी नहीं है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग सेट है उनका और वो तकरीबन अपने अपने मैचेस जो है वो बॉलिंग पर ही जीत रही है। T10 में ये पहली दफा ऐसा होगा कि उनकी बैटिंग डोमिनेटिंग पोजीशन पे है एंड क्रेडिट गोज टू मानी। बिल्कुल जी, अच्छा आगाज देखिए गए मानी यहाँ पर। अब देखते हैं वकास इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं, ओपनर आए हैं और शानदार इनिंग खेलते हुए इस वक्त विकेट पे मौजूद, उनका भरपूर साथ देते हुए अरसलान जिन्होंने आते ही धुआंधार इनिंग स्टार्ट की अपनी। और वकास जो कि एक लंबी इनिंग्स खेलने की एहलियत रखते हैं, लास्ट मैच में भी उन्होंने 65 रन शानदार स्कोर किए थे और अभी भी 15 बॉलों पे 31 रन बना चुके हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। शायद एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, पिछला ओवर भी बहुत शानदार किया, अब देखते हैं इस ओवर में विकेट ले पाते हैं या नहीं। अरसलान करेंगे सामना, शायद आए बायरो क्रॉस किया, एक अच्छा शॉट स्ट्रेट की जाने, लेकिन फील्डर मौजूद है, सही कनेक्ट नहीं कर सके, और दूसरे रन के लिए भी दौड़ गए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान, इस तरह की रनिंग से काफी प्रेशर जनरेट होता है सामने टीम के ऊपर। आज आप देखें कानों की अगर जिस बॉल पे बाउंड्री नहीं आई तो वो डेफिनेटली एक या दो रन के लिए गए, एक अर्जेंसी नजर आई है रनिंग बिटवीन द विकेट। आज काफी चेंज लग रहा है आज खेल कानो स्ट्राइकर का, शायद अपने ओवर का दूसरा बॉल करेंगे, सामना करेंगे अरसलान, शायद आए फ्लाइट हिट बॉल, ऑफ स्टंप का खासा बाहर बॉल था, अगर छोड़ते तो वाइड होती, लेकिन अरसलान ने बोला मैं इस बॉल को पहुंचाऊंगा बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। भरपूर फायदा उठाया फील्डर, ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया और 4 रन हासिल किए हैं अरसलान ने, शानदार बैटिंग करते हुए अरसलान। दो ओवर का मैच खत्म हो चुका है अब तक और कानो स्ट्राइकर 97/1 ऑलमोस्ट 100 रन स्कोर कर चुकी है, 165 वाली प्रेडिक्शन मुझे अभी भी याद है आमिर भाई। और बड़े नाम अभी पीछे मौजूद बैटिंग लाइन में, शुएब रहमान, उसके साथ अली मुदस्सिर, फैजान फर्री बाबा, फर्री बहुत बड़ी बड़ी बैटिंग लाइन, पीछे बैट्समैन मौजूद, देखते हैं कि उनकी आज बारी आती है नहीं, शायद बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे अरसलान और शायद रुके एक दफा, वापस जाएंगे, स्टेप मिस किए उन्होंने अपने, क्योंकि बड़े समझदारी से बॉल करते हैं शायद। शायद आए पायरो क्रॉस किया और शानदार शॉट अरसलान का, लेकिन फील्डर है वहां पर ज़ियाद आफरीदी, शानदार फील्डर है और एक ही रन बन सकेगा। आप देखें शायद ने कितनी समझदारी से ये बॉल किया, ऑफ स्टंप के खासा बाहर बॉल किया और उसको स्लॉग करने गए अरसलान, यही क्वालिटी है शायद की, शायद क्योंकि पुराने साथ खेले हुए उनको अंदाजा है कि ये बैट्समैन अब क्या करेगा क्या करेगा, बड़ी लेकिन अरसलान जो लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, 12 बॉलों पे 24 रन स्कोर कर चुके हैं अब तक वो भी। वकास करेंगे अब सामना शाहिद का, बड़ी समझदारी से बॉल करना होगा यहाँ वकास को, शाहिद ने शायद आए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया, कदमों का इस्तेमाल और आउट हो गए। शानदार बॉलिंग, जैसे मैंने आपको कहा था बड़े चलाक बॉलर हैं शायद, बड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने देखा कि वकास ने क्रीज छोड़ी, उन्होंने बॉल को चेंज किया और स्टंप कर दिया यहां पर, शानदार विकेट कीपिंग और एक और विकेट का नुकसान कानो स्ट्राइकर को, वकास की इनिंग का हुआ खात्मा और दूसरी विकेट गिरी नाजिन या कानो स्ट्राइकर की 97/98 के स्कोर पे, सातवें ओवर का खेल जारी है, 6.4 ओवर के इख्तिताम पे 98 रन मुकम्मल किए, लेकिन शाहिद अजीज जो लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं अब तक KKR की जानिब से, 1.4 ओवर में मैं 16 रन देके एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आउट किया इन्होंने। अब नए आने वाले बैट्समैन है शुएब रहमान, बड़ा जाना माना नाम EPCA का, कानो स्ट्राइकर के मेन बैट्समैन, बेहतरीन बैटिंग करते हैं, हर फॉर्मेट में सॉलिड बैटिंग इन्होंने की है, चाहे 40 का हो, 20 का हो, T10 हो, तो आ रहे हैं क्रीज पे अपना जलवा दिखाने के लिए, देखते हैं आज बैटिंग में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आमिर भाई शुएब रहमान एक जबरदस्त हिटर होने के साथ साथ सिंगल डबल बहुत अच्छी करते हैं, कंप्लीट बैट्समैन है, बैट्समैन है और इनके बड़े फैंस हैं जी, शुएब रहमान के अच्छे खासे फैंस हैं। अजलान शाह, थैंक यू अजलान शाह, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग ब्रदर, शुएब रहमान अजलान शाह बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। शुएब क्रीज पे मौजूद है, ये हमारी भाभी हैं जो मैसेज करके पूछ रही हैं। जरूरी है
और नाजिन शायद करेंगे शानदार बॉलिंग करते हुए, करेंगे शुएब सामना उनका, शायद आए एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और पहली ही बॉल पे हवा में उठा दिया बॉल को, देखते हैं फील्डर के ऊपर से जाएगा और गेम को ब्रेक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो ये है शुएब रहमान, 100 नंबर की टी शर्ट पहनते हैं और उनकी कोशिश होती है कि 100 का फिगर क्रॉस करें और शानदार शॉट आते ही पहली बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर, बल्कि फेंस के भी बाहर, तो मैच रुकेगा लाजमी है। इस छक्के के साथ खान उन्होंने अपने 100 रन मुकम्मल किए, 104 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और शुएब और शाहिद बहुत अच्छे दोस्त भी है, तो शुएब को पता है शाहिद अब कौन सी बॉल करेंगे और शुएब ने लाजवाब छक्का मारा है, मैच रोक दिया, बहुत बड़ा छक्का, बेहतरीन शॉट शुएब की जानिब से, पहला बॉल मिडिल हुआ और गया फेंस के बाहर। नाज़रीन शायद एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सातवें ओवर का खेल जारी है। शुएब रहमान एक दफा फिर करेंगे सामना शाहिद का, शाहिद आए एम्पायर को क्रॉस किया, फ्लैटर बॉल, एक और कदमों का इस्तेमाल, बॉल जाएगी मगर डीप में, बहुत लाजवाब फील्डिंग, यकीनी चौका बचाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहां फील्डर की जानिब से और एक ही रन बन सकेगा। तो ओवर का हुआ इख्तिताम, 105 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो नाज़रीन 18 बॉले बाकी हैं, अब शुएब और अरसलान विकेट पे मौजूद हैं, अब देखते हैं 18 बॉलों में कितने रन जोड़ते हैं कानून स्ट्राइकर के लिए। अब 18 बॉले और 60 रन बाकी हैं, पहली प्रिडिक्शन मेरे दिमाग में अब तक है। शानदार बैटिंग नाज़रीन, T10 का बेहतरीन मुजाहरा, बेहतरीन क्रिकेट होती हुई EPCA रमजान T10 टूर्नामेंट, फ्लड लाइट टूर्नामेंट, कानू क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त देख रहे हैं हमारे चैनल अब्बास आमिर व्लॉग पे। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करें अपने। और इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर मिंडलमा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जबकि को स्पॉन्सर हैं प्राइम शैडो स्पोर्ट्स, उनके ताउन से ये टूर्नामेंट जारी हो सारी। आज दूसरे ग्राउंड्स में भी मैचेस हो रहे हैं लेकिन उसकी अपडेट हमारे पास अभी, हम नेक्स्ट इनिंग में इंशाल्लाह करेंगे अगर हो रहे हैं तो। 7 ओवर के अख्ताम पे 105 रन, आमिर भाई लाजवाब बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग आप कह सकते हैं, पहला कानू के टूर्नामेंट का आई थिंक पहला बड़ा स्कोर है अभी तक बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं, 7 ओवर में 105 रन, ये सबसे ज्यादा रन है जी, सबसे ज्यादा रन है इस टूर्नामेंट के। कानू नए आने वाले बॉलर का नाम पूछना होगा, वसीम है नए आने वाले बॉलर, शानदार बैट्समैन भी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है ये भी। शुएब करेंगे सामना, शुएब रहमान बैटिंग के लिए तैयार हैं, चारों तरफ देख रहे हैं बाउंड्री के, कहां पर जगह बना के मारा जाए, फील्ड पैक कर दिए बिल्कुल। वसीम बॉल करेंगे शुएब को, वसीम आए बॉल किया, फ्लैटर बॉल, लाजवाब तरीके से पुल किया है, नहीं रोक किसी सकेंगे फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं, 4 रन। शुएब 2000 आगाज, पहले छक्का फिर चौका, अब देखते हैं नाज़रीन ये स्कोर कहां तक पहुंचाते हैं। अब तक KKR की जानिब से महज शाहिद ने 2 ओवर कंप्लीट किए जिसमें सिर्फ 23 रन दे गए, खिलाड़ी आउट किया है। जी जी बिल्कुल, अगर आप मैच का सिनेरियो देखें तो शाहिद अच्छे बॉलर साबित हुए हैं जी, अली भाई भी आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वसीम एक बार फिर आए, कदमों का इस्तेमाल, बॉल हवा में, आउट होने का खतरा, फील्डर बॉल के नीचे लेकिन ड्रॉप कर दिया, काफी दूर थी बॉल, बड़ा मुश्किल था, शानदार तरीके से मुकम्मल किए शुएब ने, क्योंकि बॉल काफी हवा में थी, सही जज नहीं कर पाए, काफी आगे गिरा बॉल उनसे, शायद थे फील्डर और शायद ओवर रन कर गए थे, बॉल से आगे निकल गए थे, बॉल पहले गिर गया, बिल्कुल जज नहीं कर पाए। वसीम एक दफा फिर बॉलिंग के लिए तैयार, सामना करेंगे शुएब रहमान, आए बॉल की और शुएब का शानदार शॉट, शानदार शॉट, ये शुएब की खासियत है, विकेट के चारों जानिब मारते हैं ये, जब मारते हैं तो जी 360 व्यू बनाया हुआ उन्होंने इस वक्त अपनी बैटिंग में, ये अंपायर का इशारा देखना होगा, ये 4 है या 6 है, अंपायर अभी कंफर्म करेंगे आई थिंक फील्डर से, मेरा ख्याल है अंपायर इशारा देना भूल गए, नहीं वो शायद कंफर्म करेंगे फील्डर से क्योंकि उस डीप में फील्डर कोई भी मौजूद नहीं था। हम उमेर भाई से गुजारिश करेंगे, वो आवाज लगा के पूछे चौका है या छक्का है, बाउंड्री का इशारा है नाज़रीन, जी जी वो कह रहे हैं, तो 4 रन का इजाफा हुआ यहाँ कानों के स्कोर में। वसीम एक बार फिर बॉल करेंगे शुएब को, वसीम आए फ्लैटर बॉल, शानदार शॉट है, बाउंड्री के बाहर जाएगी और शानदार कैच, कैच पकड़ के शुएब की इनिंग्स का खात्मा किया,
बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच इस टूर्नामेंट का ज़ियाद ने लिया नाजरी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर ज़ियाद आफरीदी, पहले रन आउट किया उन्होंने मानी को और अभी जबरदस्त शोएब का शानदार कैच लिया और एक और विकेट का नुकसान हुआ कानू को, शोएब की इनिंग का हुआ खात्मा। बेहतरीन आगाज किया था शोएब ने और बहुत ही शानदार कैच लिया यहाँ ज़ियाद आफरीदी ने, तो वसीम विकेट लेने में कामयाब हुए शोएब की। नए आने वाले बैट्समैन है फैजान ताहिर, और उसी तरह शोएब अपना काम करिए गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बारी है फैजान की और अरसलान की, थोड़ा सा फासला रह गया था नाजरीन, दाद देनी होगी यहाँ ज़ियाद आफरीदी को, शानदार फील्डिंग ज़ियाद की जानिब से और शालिया का भरपूर इस्तेमाल। फैजान ताहिर नए आने वाले बैट्समैन, वसीम रियाज जो अब तक चार बॉलों पे 10 रन दे चुके हैं और बहुत बड़ी विकेट शुएब की हासिल की जिसका क्रेडिट जाता है ज़ियाद आफरीदी को, शानदार कैच लिया ज़ियाद आफरीदी ने। दो रह गए, सिर्फ 5-6 इंच का फासला था बाउंड्री लाइन से। पांचवा बॉल करेंगे फैजान ताहिर, सामना करेंगे ऑफ स्टंप के खासा बाहर बॉल, एम्पायर का इशारा आउट और एक और विकेट लेने में कामयाब, बॉल लगी बल्ले से और गई विकेट कीपर के हाथ में, तो बगैर कोई रन बनाए फैजान ताहिर आउट हुए और पवेलियन में जाना पड़ेगा उनको, शानदार बॉलिंग वसीम की जानिब से। एंड वसीम इज ऑन अ हैट्रिक, एक और शानदार बॉल वसीम का और एक और विकेट का हुआ नुकसान, चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब तक कानों के। बेहतरीन कमबैक यहां पर केकेआर के बॉलर्स की जानिब से नाजिन और फील्डर्स की जानिब से, फैजान ताहिर बगैर कोई रन बना के पवेलियन में वापस जाते हुए। नए आने वाले बैट्समैन है फर्री के, बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेलते हैं ये भी, 115 के मजमूई स्कोर पर चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब तक कानो क्रिकेट क्लब के, शानदार कमबैक करते हुए केकेआर की टीम और वसीम का बहुत बड़ा किरदार, दो बॉलों पे दो बहुत खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया और पवेलियन में वापस पहुंचाया। राणा आबिद 135 ही होगा एक बार फिर अपनी प्रेडिक्शन करते हुए राणा आबिद, कानों की सही पॉलिसी है बिल्कुल के विकेटों का मुंह नहीं देखना बल्ले चलाने, बिल्कुल काबिश है। T10 का 60 बॉलों का गेम है, 11 प्लेयर हैं आपके पास, अगर एक एक प्लेयर भी दो एक एक ओवर भी खेले तो वो 11 ओवर पूरे हो जाते हैं, सॉरी 10 ओवर। वसीम ऑन अ हैट्रिक, देखते हैं इस टूर्नामेंट की हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं, फरी करेंगे सामना और मैं आपको बता दूं अगर बॉल आगे होगी फरी हिट पे ही जाएंगे। जी बिल्कुल, अब काबिश 3 ओवर का खेल बाकी है तो उसमें यही करना है, तो आप कह सकते हैं वसीम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हैट्रिक हासिल करने की। हैट्रिक बॉल वसीम आए, बॉल किया फ्लैटर बॉल, खूबसूरत शॉट, फरी बाबा का फील्डर बॉल के नीचे और ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, हैट्रिक खराब कर दी वसीम रियाज की केकेआर के फील्डर ने। वसीम शानदार बॉलिंग करते हुए, एक हैट्रिक उनके नाम हो सकती थी इस प्रीमियर ग्रुप के इस मैच में, लेकिन कैच ड्रॉप करा फील्डर ने, कोई भरपूर साथ नहीं दिया उनका और एक ही रन बनाए इस बॉल पे। 116 रन के मजमू स्कोर पे चार खिलाड़ी आउट हो गए जो 5 हो सकते थे और वसीम रियाज हैट्रिक पूरी कर सकते थे, शानदार बॉलिंग थी जैसा कि आपने कहा कि वो हिट पे जाएंगे और वो हिट पे ही गए, मैंने आपको बोला था ये नहीं रुकेंगे, साथ दिया और कैच ड्रॉप हो गया फील्डर के हाथ से, तो 8 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन। जी जी, कानों की टीम पहले टारगेट सेट कर रही है, तला शायद अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए, अपनी टीम की जानिब से 9 ओवर करेंगे तला शायद, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 17 रन दिए थे, अब देखना है ये कितने इकोनॉमिकल साबित हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब कानो स्ट्राइकर के दोनों बड़े सीनियर और ये दोनों ओपनर है बाय द वे, अरसलान और फर्री, अरसलान और फर्री, आप ये कह सकते हैं कि वो पहले सर्कल का ओवर था शायद 17 रन उन्होंने खाए अभी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बड़ी शॉट्स मारने की पूरी एहलियत रखते हैं आमिर भाई।
अली मुदस्सिर अभी तक उनका बैट किए हुए, उन्होंने शायद इसके बाद बैटिंग पे आने के लिए। कला शाहिद आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की फर्री बाबा ने बहुत खूबसूरत कनेक्शन, बॉल को पहुंचाया ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। तो एक और शानदार शॉट यहां फर्री की जानिब से, और बेहतरीन अभी बाहर गया काविश बॉल, फेंस से भी बाहर गया, बिल्कुल फेंस यमामा कंपाउंड के मतलब वो दूसरा अल्किफा के जो वेयर हाउस है बिल्कुल उसकी खिड़की पे बॉल लगी है जाके। तकरीबन 150 किलोमीटर का छक्का मार दिया फर्री बाबा ने, और ये उनकी खासियत है जब वो घुटना रखेंगे बॉल ग्राउंड के बाहर ही फेंकेंगे। जियाउर रहमान अभी है नहीं डीएचएल के, वरना वो बड़ा अच्छा नाप के बताते हैं कितना मीटर का छक्का महसूस हो रही है, वरना वो भाग के जाते हैं और नाप के बताते हैं कितना मीटर का छक्का है ये। बिल्कुल जिया की क्वालिटी है ये। चला शाहिद एक दो फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, एक और अच्छा शॉट फर्री का, जाता हुआ स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन हासिल होंगे नाजरीन। तो स्कोर में आ गई है तेजी, यहाँ कानों धीरे 2 विकेटें गिरी, लेकिन अच्छा कमबैक किया यहां दोनों बैट्समैनों ने। कानों के स्कोर पे ब्रेक लगने वाली है, जब भी कानों का कोई ना कोई बल्लेबाज बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना शुरू कर देता है और यही इस टीम को खास बनाता है। अच्छा प्रेशर बिल्ड हो गया था, तला शायद अपने ओवर का तीसरा बॉल करने आएंगे, सामना करेंगे फर्री बाबा। तला है, बॉल किया, बड़ा शॉट मारने की कोशिश, सही कनेक्शन बल्ले के साथ नहीं हुआ, यकीनन एक रन तो बन ही जाएगा जी जी बिल्कुल, क्योंकि उरेरा फील्डर है, बहुत शार्प फील्डर है, बहुत शार्प फील्डर है और एक रन आसानी से हासिल किया। अब अरसलान करेंगे सामना, अब उनकी बारी है बाउंड्रीज की। अरसलान जो तकरीबन 2 ओवर के बाद फेस करेंगे कोई बॉल, जी जी बिल्कुल। तला है, बॉल किया, कदमों का इस्तेमाल, सही कनेक्शन, बॉल जा रही है बाउंड्री की जानिब और चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शानदार शॉट अरसलान का, बिल्कुल ब्लड शॉट था, कोई फील्डर नहीं हिल सका अपनी जगह से और बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अरसलान जो पहुंच जा रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं, 13 बॉलों में 28 स्कोर कर चुके हैं। तला एक बार फिर आए, रिवर्स स्वीप, लेकिन कनेक्शन नहीं हो सकेगा, डॉट बॉल। पहले से दिमाग बना लिया था अरसलान ने कि मैं इसको रिवर्स स्वीप खेलूं, लेकिन सीधा भी खेल सकते थे इस बॉल को। तला शाहिद एक दो फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, और एक और अच्छा बॉल तला शाहिद का, लेग स्टंप की तरफ जाता हुआ, और ये कीपर ने जरूरत नहीं थी इस थ्रो की, लेकिन एक रन बड़ी तेजी से हासिल किया दोनों बैट्समैनों ने। तो ओवर का हुआ इख्तिताम, 9 ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर कानो 132 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो आखिरी ओवर का खेल अब बाकी है और वो 135 की प्रेडिक्शन भी मुझे जाती हुई नजर आ रही है। 135 की प्रेडिक्शन तो बढ़ गई और वो भी 165 भी पॉसिबल नहीं है, दोनों बढ़ गई जी। अब देखते हैं जी, हमारे डग आउट से एक प्रेडिक्शन की थी मोहम्मद उवैस शेख साहब ने कि तकरीबन 150 रन बनाई थी। चलें देखते हैं जी, अगर 18 रन बनते हैं इस ओवर में तो फिर 150 रन हो सकते हैं। उमर अशरफ की 145 की प्रेडिक्शन है, ग्रीन चोला देखते हैं आज किसके हिस्से में आता है, और फरहान भाई की 144 की प्रेडिक्शन है, बिल्कुल साथ साथ 144 145 और 150, और आमिर भाई की क्या 147 कर लो आप 46 कर लो, मैं बीच के ही रख लें 45-48 के, 45-48 के बीच में 45.5 की एक आवाज आ गई है, 45.5 1, 45.5 2 और 45.5 3। तो ये कूलर आपका हुआ। नाजरीन हम कमेंट्री में थोड़ा सा एंजॉयमेंट रखते हैं, ये भी एक रौनक है। तो ज़ियाद आफरीदी आए ओवर करने के लिए, देखते हैं किस तरीके की बॉल करते हैं, और दोनों मंजे पे बैट्समैन मौजूद विकेट पे अरसलान और फर्री। ज़ियाद आफरीदी जिन्होंने सर्किल में ओवर किया था और एक ओवर में 18 रन दिए थे, तो देखना ये कि क्या वो अपने बॉलिंग फिगर सही कर सकते हैं या नहीं। अब तक के कामयाब बॉलर हैं केकेआर के वसीम, जिन्होंने शानदार 2 विकेट हासिल की, हैट्रिक चांस भी था लेकिन तीसरी विकेट कैच ड्रॉप होने की सूरत में नहीं ले सके। शोएब रहमान और फैजान ताहिर को उन्होंने आउट किया, और दोनों बहुत जारियाना बल्लेबाज हैं, दोनों ने आउट किया, काफी स्कोर में भी फर्क पड़ा उनके आउट होने से। ज़ियाद इनिंग्स का आखिरी ओवर का आगाज करेंगे, सामना करेंगे अरसलान। ज़ियाद आए, दौड़ना शुरू किया और आगे बॉल किया, कदमों का इस्तेमाल, कवर्स की जानी, बहुत खूबसूरत शॉट और बॉल चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत तेज शॉट था, फील्डर काफी दूर से भागते हुए लेकिन बॉल की रेंज तक नहीं पहुंच सके और 4 रन का इजाफा यहां कानो स्ट्राइकर के स्कोर में। और ग्राउंड फील्डिंग मुतासिर कुन नहीं है केकेआर की, हालांकि सारे यंग फील्डर्स हैं आज, थोड़ा सा फील्डिंग का फुकदान, काफी मिस फील्ड हुई केकेआर की जानिब से, और एक कैच जो ड्रॉप हुआ वो से हैट्रिक भी मिस हुई वसीम की। बिल्कुल
लेकिन ज़ियाद अफरीदी एक शानदार फील्डर है, एक रन आउट और एक शानदार कैच किया था उन्होंने, बहुत शानदार कैच किया था ज़ियाद अफरीदी को। फिर बॉलिंग के लिए तैयार आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की, खूबसूरत रैंक शॉट, गोल को पहुंचाया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। असलान अपने जलवे बिखेरते हुए बहुत ही शानदार शार्प माइंड बैटिंग करते हुए बॉल को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, स्कोर बढ़ता हुआ नाजी 140 चार विकेटों के नुकसान पे, लग रहा है 45 की भी बढ़ गई। शेख साहब के पास चांस बढ़ते जा रहे हैं अब 150 रन के, अब देखना ये वाटर कूलर किसके नसीब का है। अरसलान 17 बॉलों पे 37 रन की शानदार इनिंग्स खेलते हुए 7 चौके उन्होंने लगाए हैं। ज़ियाद अफरीदी ओवर की 2 बॉलों पे 2 चौके इनको लग गए, देखते हैं अब ये तीसरी बॉल पे क्या करते हैं। ज़ियाद अफरीदी बॉलिंग के लिए तैयार आए, बॉल किया फुल टॉस, बॉल तो और एक और बाउंड्री होगी नाज़रीन, बल्ले का भारी किनारा लगा और बॉल गया बाउंड्री की जाने, थर्ड मैन पोजीशन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन का एक और इजाफा, तो हैट्रिक हो गई है यहां चौकों की अरसलान की जानिब से। 144 रन कानो स्ट्राइकर्स का बढ़ता हुआ स्कोर, 3 बॉलों पे 3 चौके अरसलान ने लगा दिए, आखिरी 3 बॉलों का मैच बाकी है, देखना है और मजीद कितने रन बनते हैं। अरसलान 18 गेंदों पे 41 रन बना चुके हैं 8 चौकों की मदद से, 3 बॉलें और 9 रन की दूरी से हैं वो अपनी निफ्ट सेंचुरी कंप्लीट करने में, देखते हैं कि वो निफ्ट सेंचुरी कर पाते हैं अपनी या नहीं। कानो की टीम आज कुछ और ही अंदाज में उतरी है ग्राउंड में, आज बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बैटिंग की कानो के बैट्समैनों ने, और ज़ियाद अफरीदी को फिर बॉलिंग के लिए तैयार हैं, सामना करेंगे अरसलान। ज़ियाद आए एम्पायर क्रॉस किया, अरसलान का शानदार शॉट हवा में है बॉल, फील्डर ने काफी अच्छी कोशिश की और कैच किया ड्रॉप, थोड़ा मुश्किल कैच था रनिंग कैच था लेकिन बॉल तक तो पहुंचे, लेकिन आखिरी लम्हात में बॉल को गिरा दिया हाथों से, तो 2 रन का इजाफा होगा यहाँ पर स्कोर में, और इस 2 रन के साथ कराची कानो स्ट्राइकर का बढ़ता हुआ स्कोर 146 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अरसलान ओवर की 5वीं बॉल का सामना करेंगे, बॉल करेंगे ज़ियाद, ज़ियाद आए बॉल की शॉर्ट ओवर लेंथ बॉल, पुल करने की कोशिश, एक ही रन बनेगा, मिस कर गए यहाँ पर, अगर टाइम कर जाते तो ये बॉल फाइन लेग के ऊपर से जाती 4 रन के लिए, लेकिन अच्छा यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से, एक ही रन बन सकेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 147 तो 3 रन की दूरी 150 रन से, 3 रन की दूरी है ये, अगर 2 रन भी बनेंगे तो मेरे ख्याल में वाटर कूलर हम शेख साहब को दे सकते हैं, वो आपसे लेके ही देंगे। ज़ियाद अफरीदी पे इनिंग्स की आखिरी बॉल करने हैं, सामना करेंगे फर्री, इनसाइड एज का चौका, किस्मत भरपूर साथ देते हुए कानू के बैट्समैनों की, और स्कोर बढ़ता हुआ 151 और ओवर का हुआ इख्तिताम, 152 रन का टारगेट केकेआर के लिए सेट किया है कानों के बैट्समैनों ने, ताबड़तोड़ बैटिंग की है सारे बैट्समैनों ने, बेहतरीन शॉट और स्कोर प्रेडिक्शन में विन कर गए शेख साहब, इज द विनर, 150 रन की उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, 151 रन बनाए कानू ने और 152 का पार जैसा टारगेट सेट किया केकेआर के लिए, तो स्टार्टिंग ये थी पहले इनिंग का मैच, शानदार आगाज हुआ, शानदार बैटिंग की कानू के बैट्समैनों ने, जिस तरह की उनसे तवक्कात थी आज भरपूर दिखाई उन्होंने परफॉर्मेंस, सिर्फ फैजान ताहिर वाइट बैट्समैन थे जो बगैर स्कोर बनाए आउट होके पवेलियन में गए, जिनका शानदार कैच लिया था विकेट कीपर ने, और ज़ियाद अफरीदी का कैच भी नहीं भूलेंगे जो कि शोएब रहमान का कैच लिया उन्होंने बाउंड्री लाइन पे, तो नाज़रीन ये थी पहली इनिंग, इंशाल्लाह दूसरी इनिंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दूसरे लिंक के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, जब तक के लिए दी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।